ओम शांति। मेरा नाम सविता मिश्रा है, मैं उड़ीसा से आई हूँ। मेरी आँखों की रोशनी तो पहले थोड़ी थी, मैं लौकिक पढ़ाई कर रही थी, MBA कर रही थी उस वक्त। धीरे धीरे मेरी आँखों की रोशनी कम होती गई और जिसके वजह से मेरी पढ़ाई और सारी जो एक्टिविटीज़ थे वो सब धीरे धीरे छूट गए। लेकिन लकीली मैं 2009 में ईश्वरीय ज्ञान के संपर्क में आई, ब्रह्मा कुमारी इसके संपर्क में आई, तो उसके बाद से ही यहाँ का जो ज्ञान मिला उस ज्ञान से जीवन में इतनी ज़्यादा परिवर्तन आ गई कि फिर ये प्रॉब्लम और प्रॉब्लम नहीं रही। सारी जो परेशानियाँ थी वो तो जीवन की सुख के कारण बन गए, क्योंकि पहले हम दुनिया में छिपाते हैं कि जो दृष्टिवादी थे वो नहीं बताना है, लेकिन इस ज्ञान के बल से इतना शक्ति मिला कि हम खुद पहले स्वीकार कर पाएँ कि हाँ ठीक है, यही रोल मिला है और हमें ये अच्छे से निभाना है। और जैसे ही हमारे जीवन में ईश्वरीय शक्तियाँ आने लगी, हमारे जीवन में परिवर्तन आने लगा, फिर तो हम दूसरों के लिए प्रेरणा बनते गए, शक्तियाँ आती गई, भगवान की साथ की अनुभूति होने लगी और जीवन में तो बहुत ही खुशनुमा हो गया है। मैं रोज़ दिन 3:30 बजे अमृत वेला उठती हूँ, ये रोज का ही अनुभूति होती है कि बाबा खुद उठाते हैं जैसे, और जैसे ही अमृत वेला उठते हैं तो बहुत ही बार ये अनुभूति हुई है कि मेरा जो कमरा होता है वो एकदम गोल्डन रेड कलर की इतनी स्पिरिचुअल लाइट से भरी हुई होती है, और वो जो शक्तिशाली ब्रह्म मुहूर्त होता है अमृत वेला, इतनी शक्तिशाली होता है कि उसका सारा असर पूरे रोज़ की दिनचर्या में दिखता है। घर पे रहते भी हम कभी भी अकेला महसूस नहीं करते हैं, अपना सारा काम खुद कर सकते हैं, खाना बना सकते हैं, म्यूजिक बजा सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, और कभी भी किसी बात की दुख की अनुभूति नहीं होती है। कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हर बार ये महसूस होता है कि भगवान का साथ है ही साथ में। कितनी बार साथ में हम अनुभव करते हैं, कोई ना कोई ऐसी इंसिडेंट होती है तो मदद की अनुभूति हो ही जाती है, और इसके चलते अभी अपने अंदर इतनी उमंग उत्साह भरी हुई है कि अभी हम दूसरों की भी बहुत सेवा करना चाहते हैं, सभी को ये अनुभव कराना चाहते हैं कि आप भी इसे महसूस करें कि भले कोई भी कमजोरी हो जीवन में, लेकिन परमात्मा शक्ति जो है वो हमें कितनी मदद देती है, हमारे जीवन में कितनी खुशियां भर देती है। और कभी भी अपने को कमज़ोर समझ के बैठना नहीं चाहिए, अपने को शक्तिशाली बनाना है, क्योंकि हम हिम्मत रखते हैं तो फिर भगवान भी हमें बहुत मदद देते हैं। इसलिए हर इंसान के अंदर बहुत शक्तियाँ हैं ही, जिसको परमात्मा शक्ति फिर और आगे बढ़ाती है। और अभी ऐसी उमंग उत्साह में भरे हुए हैं कि फिर हम सारे विश्व की बहुत सेवा करना चाहते हैं। सोसाइटी तो इतने साल की अनुभूति से हम कहें, हर बार लोगों ने बस यही कहा है कि कैसे भी करके किसी को पता ना चले कि आप देख नहीं सकते, कैसे भी करके, ये बहुत हमने फेस किया है। लेकिन बाबा के पास जब आए, इस ज्ञान में जब से आए, इस चीज़ को मैं पार हो गई कि छुपके नहीं बैठना है कि कहीं किसी को पता ना चले कि हम देख नहीं सकते, ऐसा बात नहीं है। अगर लोगों के अंदर कितनी कमियां हैं, कितने बुरे ख्यालात होते हैं, वो सब खुल के दिखते हैं, लेकिन हमारी कमजोरियां नहीं दिखानी, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर किसी के अंदर अच्छे गुण हैं, अच्छी शक्तियां हैं, वो खुल के आनी चाहिए। इसलिए सोसाइटी को मैं ये मैसेज देना ही चाहती हूँ कि कभी किसी को इसे सप्रेस नहीं करना चाहिए। और भी ये कभी भी जो भी ऐसी आत्माएं हैं उनके प्रति हमें अगर थोड़ा सा ये करना होता है, एक्स्ट्रा उनकी काम में मदद देनी होती है, थोड़ा हेल्प करना होता है, लेकिन बहुत बार इसको सब बोझ समझते हैं, बर्डन समझते हैं, ये भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुनिया में बहुत ऐसी चीज़ें हो रही है हमारे साथ जो लोग हमारे लिए एक्स्ट्रा कर रहे हैं, तो हमें भी जब हमारा टाइम होता है तो हमें भी वो रिटर्न देनी होती है। और ये एक अच्छी सेवा है जब हम ऐसी आत्माओं की मदद करते हैं,
इसलिए सोसाइटी को यही मैसेज है, जो भी ये समझते हैं कि ये समाज के एक ऐसे अंग हैं जो कि परेशानी का कारण है, ऐसे सोचना रखें, क्योंकि भले शरीर सही हो और सोच खराब हो तो उसे कोई स्वीकार नहीं करता। अगर शरीर में कोई प्रॉब्लम है और सोच बहुत अच्छी है तो उसे भगवान भी स्वीकार करते हैं।